आपको महापुरुषों के समाधि स्थल के नामों को कैसे याद करेंगे उस चीज को बताएंगे, उसके बाद एक बार इसकी पुनरावृत्ति कराएंगे और वीडियो के अंत में आपको परीक्षा में कैसे सवाल इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं उनसे रूबरू कराएंगे। तो आइए कुछ ट्रिक, कुछ अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी कैसे हम याद रखेंगे उनसे आपको मिलाते हैं समाधि स्थल से। सबसे पहले नाम है राजघाट। राजघाट किस महापुरुष के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं? राज मतलब किसी दिल, किसी के दिल में, हर आदमी के दिल में राज करना, तो वो कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ये अब भी राज कैसे कर रहे हैं? शांति अहिंसा से सबको जो है परास्त किए अंग्रेजों को। और दूसरी बात, यदि हमें याद नहीं भी रहेगा तो राज मतलब हर दिलों में जितने भी नोट है, हर नोट में किसके फोटो है अंकित? महात्मा गांधी के। तो हमें राजघाट से किन्हें याद रखना है? महात्मा गांधी। हम चलते हैं अगले की ओर। अगला है मेरे पास शक्ति स्थल। शक्ति, शक्ति मतलब नारी शक्ति। तो नारी के रूप में सबसे पहली जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे? इंदिरा गांधी शक्ति का बात आएगा, नारी शक्ति, शक्ति के पावर का बात आएगा, तो हम सबसे पहली जो प्रधानमंत्री थी कौन थी? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किनसे रिलेटेड है? इंदिरा गांधी। इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? तो अभी तक हमने दो देखा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को सबके दिलों में कौन राज करते हैं? महात्मा गांधी, इनसे रिलेटेड राजघाट। इंदिरा गांधी, इनका शक्ति पावर था नारी शक्ति, तो शक्ति स्थल। आगे नाम है मेरे पास विजय घाट। विजय मतलब कोई चीज का जीत हासिल करना, तो जीत हासिल कौन करता है? तो जो बहादुर रहेगा या किसी का लाल क्या करेगा, अगर वो कोई जीत के लाएगा तो बोलेगा मेरा लाल जो है विजय हासिल किया। इससे रिलेटेड क्या मेरा आ गया? लाल बहादुर शास्त्री। कैसे याद रखेंगे? यदि बहादुर का बात आया या विजय मतलब कि विजय हासिल करना, तो किससे हम रिलेटेड करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। तो हम कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? विजयगढ़। आगे शांतिवन। शांतिवन, शांतिवन शांत किन्हें हम बोलेंगे? बच्चों के सबके दिलों में कौन राज करते थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बच्चों के इनके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। तो क्या हो गया? शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला नाम है वीरभूमि। वीर किन्हें हम वीर बोलेंगे? तो इससे रिलेटेड हम करेंगे वीर भूमि से राजीव गांधी को। किन्हें हम करेंगे? राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी कौन थे? हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। कौन? राजीव गांधी। वीर का बात आएगा तो युवा का बात आएगा, और युवा कौन थे? हमारे सबसे पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। एक बार अब तक हम पुनरावृत्ति करते हैं। महात्मा गांधी सबके दिलों में राज करते थे। इंदिरा गांधी शक्ति पावर, नारी शक्ति का बात हो रहा था, शक्ति स्थल हो गया। लाल बहादुर शास्त्री बहादुर का बात था, तो क्या करेगा? बहादुर लोग क्या करता है? जीत हासिल करता है, तो विजय घाट हो गया। जवाहरलाल नेहरू सबके दिलों में जो है क्या करते थे? सब बच्चों के दिल में राज करते थे, क्या हो गया? शांति, शांति, शांति ढंग से करते थे। राजीव गांधी सबसे युवा थे, युवा क्या होता है? युवा वीर, तो वीर भूमि हो गया। आगे हम कर्म भूमि का बात करें। कर्म मतलब काम, तो क्या बोलता है? शंकर तेरा सहारा ना, इसका मतलब हम जैसा काम करेंगे उस ढंग से होगा। तो कर्म भूमि से क्या रिलेटेड हो गया मेरा? कर्म भूमि से शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि को क्या करेंगे? शंकर दयाल शर्मा। अगला है मेरे पास महाप्रयाण घाट। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हो गया, हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हो गए, प्रधानमंत्री भी हो गए, अब बारी था राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण घाट, या यदि याद हमें नहीं रहता तो प्रयाण का बात था, तो प्रयाण को कनेक्शन हम किससे कर देंगे? प्रसाद से कर देंगे, तो मेरा क्या आ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है किसान घाट। ठीक है, तो किसान घाट कौन है? तो किसान घाट से रिलेटेड है हमारे चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, किसान लोग के ऊपर ही पूरा देश जो है क्या है आश्रित है। अगर खेती करना, चौधरी चरण सिंह क्या है तो इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को। इसी चौधरी चरण सिंह के कारण हम लोग जो है इन्हीं के जन्मदिन के कारण 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह किसान, किसानी पर खेती क्या है पूरा देश आश्रित है। इनके चरण में जो है सबको क्या करना चाहिए, एक तरह से मेन चीज है। इसीलिए हम किसान घाट याद कैसे रखेंगे, चौधरी चरण सिंह। आगे है उदय भूमि। उदय, उदय मतलब क्या होना, उदय मतलब कोई चीज का क्या होना, सूर्योदय होना या ऊपर आना। तो उदय भूमि के समाधि स्थल को हम क्या बोलेंगे उसको हम देखेंगे। उदय भूमि है हमारा के आर नारायण। क्या है? के आर नारायण। तो इसको कैसे याद करेंगे, उदय मतलब कोई चीज का उगना या ऊपर होना, नारायण, नारायण एक तरह से क्या हो गया, भगवान ही हो गया। उदय का बात हुआ, इसी से रिलेटेड मेरा क्या हो गया, के आर नारायण। ठीक है, आगे था मेरा नारायण घाट। क्या था? नारायण था। तो भगवान का बात था, जिसके पास भगवान की अपरंपार होता वो क्या होता है, गुलजार होता है। ये हमारा क्या हो गया, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। आगे बात करेंगे हम एकता स्थल। क्या करेंगे, एकता स्थल। तो एकता स्थल हमारा क्या था, एकता स्थल रिलेटेड है मेरा ज्ञानी जैल सिंह। क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी लोग क्या बोलेगा, फूट फूट के नहीं रहो, सब कहाँ रहो, मिल के रहो, एकता बनाए रखो। तो एकता बनाने कौन बोलता था, ज्ञानी लोग। तो क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह। आगे हमारा था चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि हमारा रिलेटेड था भीमराव अम्बेडकर से। किससे था, भीमराव अम्बेडकर से ना। चैत्रा भूमि किससे रिलेटेड था, संविधान के जो है निर्माता थे कौन, भीमराव अम्बेडकर। आगे है अभय घाट। तो अभय घाट हमारा है किससे रिलेटेड, मोरारजी देसाई। किससे रिलेटेड है, मोरारजी देसाई। क्या है अभय, भाई मतलब डरना, नहीं डरना। किससे नहीं डरना, मोर से नहीं डरना ना, क्योंकि राष्ट्रीय हमारा क्या है, पक्षी है। आगे है समता स्थल। ठीक है, तो समता स्थल हमारा कौन है, जगजीवन राम। कौन है, जगजीवन राम। 32 साल तक सांसद रहे कौन, जगजीवन राम। इसी की पुत्री जो थी कौन, मीरा कुमार। 15वां जो है लोकसभा में क्या थी, लोकसभा अध्यक्ष रही। किसकी बेटी, जगजीवन राम। तो समता स्थल कौन हो गया, जगजीवन राम। उसके बाद क्या है, सदैव अटल। अटल कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे था पीवी घाट। तो ये हो गया क्या मेरा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और एक था संघर्ष स्थल, ये मेरा था कौन, देवीलाल। क्या था, देवीलाल। तो देवीलाल कौन थे, देवीलाल थे कौन, हमारे पूर्व जो है प्रधान, उप प्रधानमंत्री। क्या थे, उप प्रधानमंत्री। एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति करते हैं, क्या क्या था, राजघाट सबके दिलों में कौन राज कर रहा था, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का क्या हो गया, राजघाट। आगे था महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। उसके बाद इसको नाथूराम गोडसे ने कब मारा, 30 जनवरी 1948। इसको क्या कहते हैं, बापू कहते हैं ना। आगे था मेरा शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। ये कौन थी, इंदिरा गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और हमारे देश के पहले महिला प्रधानमंत्री थी। आगे विजय घाट। तो विजय कौन हासिल करेगा, जो बहादुर लोग रहेगा। तो विजय घाट हो गया ना। आगे था शांतिवन। शांतिवन किससे रिलेटेड था, जवाहरलाल नेहरू से। वीर, वीर कौन था, सबसे हमारा जो युवा प्रधानमंत्री था कौन, राजीव गांधी। आगे था कर्म भूमि, काम करेंगे तब फल मिलेगा कौन, शंकर दयाल शर्मा। आगे था महाप्रयाण घाट कौन, राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी प्रयाण था, तो प्रयाण का रिलेटेड किससे, प्रसाद से। आगे था किसान से, किसान कौन, चौधरी चरण सिंह। आगे था उदय भूमि, के आर नारायण, नारायण घाट, नारायण मतलब क्या होना, गुलजार होना, एकता, एकत्रित होकर रहना। कौन बोलेगा, ज्ञानी लोग बोलेगा। चैत्रा भूमि तो क्या है, भीमराव अम्बेडकर। अभय घाट, भय डरना नहीं है, किससे, मोर से। आगे था समता स्थल कौन, जगजीवन राम। समता मतलब एकता, अनेकता, एकता रहना है कब, जब तक हम लोग जीवन भर रहेंगे। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी।
पीवी घाट, नरसिम्हा संघर्ष स्थल, देवी स्थल। एक बार हम इसको पुनरावृत्ति कराते हैं। पुनरावृत्ति में पहला नाम है हमारा महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। हम बताए थे महात्मा गांधी सबके दिलों में क्या करते थे? राज करते थे। ये किस घाट से रिलेटेड हो गया? राजघाट से। आगे था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमने क्या बताया था? नारी शक्ति जिंदाबाद, ना नारा देता है नारी शक्ति जिंदाबाद। तो क्या रिलेटेड हो गया? शक्ति स्थल। आगे बात है लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर का जब बात हो तो बहादुर लोग क्या हासिल करेगा? विजय हासिल करेगा। तो विजय घाट किससे रिलेटेड? लाल बहादुर शास्त्री से। आगे है जवाहरलाल नेहरू। इसके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? चाचा नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग इसको चाचा नेहरू भी कहते हैं। बाल दिवस मनाते थे। ये शांत बच्चों को क्या बोलते हैं? शांत रहो। तो क्या हो गया? शांतिवन। आगे था मेरा क्या? राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन थे? सबसे पहले सबसे युवा हमारे क्या थे? पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? वीर भूमि। आगे है हमारा शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर से रिलेटेड क्या? कर्म भूमि। काम करेंगे तभी भोला बाबा कुछ करेंगे, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। ये नहीं हम काम नहीं करेंगे और मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आगे था मेरा राजेंद्र प्रसाद। तो रिलेटेड प्रसाद से था। तो प्रसाद का कनेक्शन किससे? प्रयान से। तो छोटा मोटा नहीं, क्या? महाप्रयान घाट। आगे हम चलेंगे चौधरी चरण सिंह। तो चरण का बात हो रहा था, तो चरण का बात किससे रिलेटेड था? किसान से रिलेटेड था। आगे था क्या मेरा? के आर नारायण। तो नारायण मतलब क्या? एक तरह से भगवान। तो कौन भूमि? उदय भूमि। आगे है गुलजारी लाल नंदा, ना गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा मेरा क्या होगा? गुलजार जब हो गया, कौन गुलजार रहता है? मुझे हंसी खुशी से नारायण घाट। तो नारायण घाट रिलेटेड किससे हो गया? तो गुलजारी लाल नंदा हो गए। कौन घाट? नारायण घाट। और एक चीज इससे रिलेटेड हम जानेंगे, क्या? गुलजारी लाल नंदा जो है सबसे एकमात्र जो है कार्यवाहक पीएम था। कौन? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी लोग क्या बोलता है? एक जगह रहो, एकत्रित होकर रहो। तो कौन स्थल? एकता स्थल। और ज्ञानी जेल सिंह के बारे में हम क्या जानेंगे? सबसे फर्स्ट जो है ये जो है सिख प्रधानमंत्री थे। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर। तो ये तो संविधान निर्माता थे। कौन भूमि? चैत्रा भूमि। यदि रिलेटेड नहीं होगा तो संविधान का निर्माता स्टार्ट करने वाला तो हम लोग चैत वैसा करते हैं, तो पहला क्या याद रखेंगे? चैत्रा भूमि स्टार्टिंग करने वाला। आगे था क्या? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई क्या हम बताए थे? मोरारजी देसाई बताए थे मोर से क्या होना चाहिए? भय। और भय मतलब कि डर नहीं लगना चाहिए। जग जीवन राम, जीवन भर क्या होना चाहिए? समता। समता स्थल हो गया क्या मेरा? जग जीवन राम। अटल बिहारी वाजपेयी इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? सदैव अटल। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव था, इसके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? पीवी घाट। और देवी लाल जो है उप प्रधानमंत्री थे, ये क्या बोले? जिंदगी में बहुत संघर्ष है। तो इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? संघर्ष स्थल। उम्मीद है कि आपको बताए, पुनरावृत्ति कराए, हम श्योर कंफर्म हम कह सकते हैं कि आपको महापुरुषों के समाधि स्थल अब तक याद हो गए होंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं इनसे संबंधित कैसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। हो सकता है कुछ बहुत विद्यार्थियों को याद होगा, फिर भी रिलेटेड वीडियो हमने इसीलिए बना दिया कि कई छात्रों को प्रॉब्लम होती है, परीक्षा में सस्पिशन हो जाता है कि इनका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो उम्मीद है आप यदि इस वीडियो को एक बार देखिएगा, एक से दो बार, तो आपको श्योर है कि एक भी गलती आपसे नहीं होगा, न परीक्षा में छूटेगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस दौर की ओर जिसमें आप देखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षा में कैसे इनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, राजघाट किनका समाधि स्थल है? तो राजघाट सबके दिलों में कौन राज करते थे? महात्मा गांधी। कौन राज करते थे? महात्मा गांधी। आगे हम जानेंगे इनके समाधि स्थल, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800
69 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब कर दी गई, हत्या कब कर दी गई, हत्या कब, 30 जनवरी 1948 को। कौन? नाथूराम गोडसे। इनको क्या कहते हैं? बापू कहते हैं ना, और क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। किनको? महात्मा गांधी को। उम्मीद है कि आपको पहले प्रश्न में समाधि स्थल महात्मा गांधी को क्या बोले, राजघाट। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब? 30 जनवरी 1948। किसने किया हत्या? नाथूराम गोडसे। यह समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में। समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में। गांधी जी के गुरु को क्या कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनसे रिलेटेड इतने सारे सवालों का आपको बताया। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के शांति के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू शांत बच्चा से जब मिलते थे, हम इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? शांतिवन। दूसरा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। आगे जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमारे फर्स्ट पीएम थे, प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और इनसे रिलेटेड संबंधित इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या तीसरा सवाल है, विजयघाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजयघाट हमने क्या बताया था? विजयघाट बताया था, विजय कौन प्राप्त करेगा? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ना, ये क्या था, ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिनको मरणोपरांत क्या दिया गया? भारत रत्न मिला। मरणोपरांत क्या दिया गया? भारत रत्न। किन्हें? लाल बहादुर शास्त्री को। और क्या था इनसे रिलेटेड? और था, ये नारा दिए थे जब लाल बहादुर शास्त्री, क्या? जय जवान जय किसान। ठीक है, इनसे रिलेटेड इन दोनों प्रश्नों को हम देखेंगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे सवाल था हमारा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी, हम बताए थे नारी शक्ति, तो इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? शक्ति स्थल बोलेंगे, शक्ति स्थल। और इनसे रिलेटेड क्या था? ये फर्स्ट जो है क्या थी? महिला प्रधानमंत्री थी, महिला पीएम थी। कौन? इंदिरा गांधी। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। किनको? इंदिरा गांधी को। ठीक है, आगे है हमारा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, हम क्या बोले थे? मोर से किसी को डर नहीं लगना चाहिए। तो कौन घाट? अभय घाट। हम जानेंगे, फर्स्ट से टिक करेंगे, कौन घाट? अभय घाट। और ये क्या थे? ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम थे। फर्स्ट गैर कांग्रेसी क्या थे? पीएम थे। ठीक है, कौन? मोरारजी देसाई। किस पीरियड में रहे? तो ये 1977 से 1979 के पीरियड में क्या रहे? पीएम रहे, गैर कांग्रेसी पीएम थे। ये किस पार्टी से रिलेटेड थे? तो जनता पार्टी से रिलेटेड थे। किस पार्टी से रिलेटेड थे? जनता पार्टी से। और ये पीएम बने और आकर के ये भारत रत्न का जो अवार्ड मिलता था, इसको क्या कर दिए? क्लोज कर दिया। और इसके बाद 79 तक रहे, इसके बाद कांग्रेस आया और पुनः फिर से भारत रत्न को क्या किया? चालू किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आ गया हमारा किसान घाट। तो किसान का बात आया हो तो कौन होगा? चौधरी चरण सिंह, उनका पैर किरण किसान का ना। इनका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष में क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। कब? 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। और इनसे संबंधित है चीज कि संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही ये त्याग पत्र देने वाला पीएम था। क्या? त्याग पत्र। संसद जो है नहीं गया और जो है त्याग पत्र देने वाला पहला पीएम कौन था बिना संसद गए? चौधरी चरण सिंह। सातवां सवाल है हमारा, केआर नारायण। क्या है? केआर नारायण। नारायण जब हुआ तो क्या होगा? उदय होगा। किसका?
भूमि का, तो उदय भूमि क्या हो गया हमारा, के आर नारायण। और इनके बारे में ये जो है हमारे दसवें राष्ट्रपति थे, क्या में दसवें राष्ट्रपति थे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे है कर्म भूमि, काम करने वाला कौन, शंकर भगवान। तो क्या आ जाएगा, शंकर दयाल शर्मा। और ये हमारे नौवें राष्ट्रपति थे, किस कौन से राष्ट्रपति थे, नौवें राष्ट्रपति थे कौन, शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, कर्म भूमि। आगे हमारा एकता स्थल, एकता स्थल मैंने एकजुट रहने के लिए कौन बोलता है, ज्ञानी लोग। तो क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह ना। और इनसे रिलेटेड क्या था, ये हमारे फर्स्ट जो है सिख जो है पीएम थे। कौन से सिख थे, सबसे पहला पीएम सिख जो है पीएम कौन था, ज्ञानी जैल सिंह। और एकता स्थल, एकता एकत्रित होने के लिए कौन हमें बोलता है, ज्ञानी जैल सिंह। इससे संबंधित ही हम लोग याद कर रखेंगे। आगे है हमारा जगजीवन राम, जगजीवन राम। जीवन भर क्या, समता स्टाइल में रहना है ना, तो समता स्थल हमारा क्या आ गया, जगजीवन राम। और इनसे रिलेटेड हम बताए थे क्या, इनकी जगजीवन राम की बेटी कौन है, मीरा कुमार। ये 15वां लोकसभा में क्या थी, लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष रही है कौन, मीरा कुमार। और स्पेशलिस्ट इसके बारे में था, ये फर्स्ट जो है दलित जो है उप प्रधानमंत्री बने, क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने कौन, जगजीवन राम। आगे है हमारा चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। तो चैत्र से स्टार्ट होगा, संविधान का भी निर्माण कौन किया था, भीमराव अंबेडकर ना। तो हो गया हमारा चैत्रा भूमि का रिलेटेड क्या, भीमराव अंबेडकर। आगे है हमारा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। हम बताए थे क्या, गुलजारी लाल नंदा क्या, गुलजार है, गुलजार जो है कौन, जब जो भगवान का परम पूजा करता है, नारायण भगवान का पूजा करता है, तो क्या रहता है, गुलजार रहता है कि नहीं। और इसके बारे में हम बताए थे क्या, ये फर्स्ट जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री था कौन, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अगला सवाल। आगे हमारा वीर भूमि, हम बताए थे वीर का बात आए, तो फर्स्ट युवा प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी। फर्स्ट से टिक करेंगे वीर भूमि किसका, राजीव गांधी। ठीक है, अगला सवाल। आगे सवाल है हमारा महाप्रयाण घाट, तो महाप्रयाण घाट हम क्या बोले थे, महाप्रयाण, प्रयाण का बात आया था, प्रसाद का बात होगा, प्रसाद का बात होगा तो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में क्या है, ये फर्स्ट जो है क्या थे, राष्ट्रपति थे ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के जीरादेही गांव में, है कि नहीं। चल अगला सवाल स्क्रीन पर। अगला सवाल हमारा इस सीरीज का अंतिम सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या नाम है, तो क्या है, सदैव अटल। क्या है, सदैव अटल। किसके, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, सदैव अटल। और इनसे जानकारी है तो इनका जो समाधि स्थल है वो रामनाथ गोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, इन सब लोगों ने इनके समाधि स्थल का क्या किया, शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, सदैव अटल का। ठीक है, दोस्तों उम्मीद है कि महापुरुषों के समाधि स्थल को जो हमने बारीकी से कैसे इन्हें याद रखेंगे बिना रटे कुछ अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड से, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, साथ ही यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इनसे रिलेटेड जानकारी के लिए, शिक्षा के अलग को और भी अग्रसर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस वीडियो को आप देखकर परीक्षा में इस टाइप के जो प्रश्न होगा
उन्हें छोड़कर नहीं आएंगे और उन्हें निश्चित सॉल्व करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।